आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। जब आपका ईवीएम सब बदल लिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला, मैंने अच्छा तब क्या बोले उसे? पहले यस्को बोला। हाँ, पहले यस्को हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, देखा भी है हम लोगों ने उस चीज को, देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर सुनाने जा रहा हूं और एक रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा जिसके अंदर इस बात का खुलासा हुआ है कि 2022 का जो यूपी इलेक्शन ये हुआ है, इसके अंदर किस तरह से ईवीएम को चेंज करके अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी को हराया गया। हालांकि पहले से ही जो केंद्र की सरकार है वो ईवीएम के पक्ष में ये बात कहने लगती है कि हारने के बाद जो विपक्षी दल होते हैं वो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको एहसास और महसूस हो जाएगा, एहसास भी हो जाएगा, महसूस भी हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। क्योंकि ये जो शब्द हैं, हम इस बात की, इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जब ये वीडियो सॉरी ऑडियो वायरल हो रही है और अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से भी संज्ञान लेने को कहा है तो इसके बारे में जांच होनी चाहिए। वो पीठासीन अधिकारी जो अपने बारे में बता रहा है, पूरी अगर आप इसको सुनेंगे तो उसमें उसने अपना एड्रेस भी बताया, कहाँ पर वो जॉब करता है वो भी बताया और किस तरह से ईवीएम की मशीनों को बदला गया है और इलेक्शन से पहले ही उसने ये बता दिया कि किस तरह के इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा, लिखा यूपी में ईवीएम पर अफसर का ऑडियो वायरल। चुनाव अधिकारी कह रहे थे हर बूथ पर ईवीएम बदली गई, अखिलेश बोले राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम पर उठ रहे सवाल तेज हो गए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ईवीएम बदलने के एक वायरल ऑडियो को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी ने किसी से बात की जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को उसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी इसके आगे कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन हमारी सरकार बनाने से ज्यादा अहम है, ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि संबंधित व्यक्ति को पूरी सुरक्षा दी जाए और इस मामले में निष्पक्षता से जांच हो। अब मैं पहले आपको उनका जो ट्वीट है वो भी बाद में दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले वो ऑडियो दिखाने की सुनाने की कोशिश करता हूं कि जिसके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से अखिलेश ने ट्वीट भी किया। ट्वीट में आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आप ये ऑडियो सुने, छोटा सा ऑडियो मैंने आपके लिए काटा है, इस ऑडियो को सुन लें, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीठासीन अधिकारी किस तरह से सरकारी तंत्र का डरा हुआ बैठा है और अपने बच्चे पालने की वजह से वो चुप होने को मजबूर है। जब उसने शिकायत की तो कहा 2 मिनट में हट जाओगे आप, ये शब्द भी उसके हैं, पहले आप ऑडियो सुने। प्रदेश में जहां की ईवीएम न बदली यही हुआ था बिहार में, तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा क्योंकि मैं न तो वोटर था न मैं वहाँ था न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइए नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूंगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। और आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। जब आपका ईवीएम सब बदल दिया तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला, मैंने अच्छा तब क्या बोले उसे? पहले यस्को बोला। हाँ, पहले यस्को हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, देखा भी है हम लोगों ने उस चीज को, देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर लेंगे यार, थोड़ा सा बाल बच्चा है, नोज पास बाल बच्चा है, क्या कर लिया, नौकरी बचाओ बदे नहीं। लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है गलत तो कह दे लेंगे, पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना आई भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दे माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है।
आएगी ही नहीं, मैं मुश्किल नहीं नामुमकिन है, आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता तो वहां से भी जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में हो जाता है ना पूरा, हम इन लोगों के अंडर में आता है, तो वहां से कैसे बदल लेंगे सर? हमारी वो बात स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब ना, अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम नहीं। आपने ये ऑडियो सुन लिया तो दर्शकों ये ऑडियो जो है अधिकारी का है और किसी भी तरह से डॉक्टर भी नहीं लगता है, हालांकि इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, हम भी नहीं करते, लेकिन जब ये वायरल हो रहा है और किसी तथ्य पर इसकी बात है तो सरकारों को संज्ञान में लेकर के सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति से जैसे गुहार लगाई गई है उसको संज्ञान में लेकर के उस शक को दूर किया जाए जिस शक के अंदर ईवीएम बदलने की बात इस रिकॉर्डिंग के अंदर आई है। अब इसमें लोगों ने क्या क्या कहा वो भी मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन बहरहाल लोग ये बता रहे हैं, एक साहब चंदन है वो लिखते हैं कि मैं काउंटिंग के समय मौजूद था, ये आपकी स्क्रीन पर है, कुछ ईवीएम की बैटरी 99% शो कर रही थी, 99 बैटरी वाली ईवीएम में एक तरफा वोट बीजेपी को मिल रहा था, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलने वाली मशीन की बैटरी 99% चार्ज कैसे रह सकती है, सवाल उठाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये शिकायत कई जगह से आई है। ईवीएम के अंदर कोई बैटरी होती है लगभग जैसा कि बता रहे हैं वो, और बता रहे हैं कि वो सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक 99% चार्ज थी और वहाँ पर सिर्फ कमल का फूल यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वोटें निकल रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो ऑडियो जिसने कहा है कि ये ऑडियो ध्यान से सुने, भीगी पलके कोई हैं, बनारस व आसपास के क्षेत्रों में तेजी से वायरल हो रहा है, चुनाव ड्यूटी में तैनात किसी पीठासीन अधिकारी के द्वारा ईवीएम को लेकर कुछ अजीब अजीब बातें कही जा रही, निसंदेह ये लोकतंत्र की रक्षा कर रही भाजपा को बदनाम करने की कोशिश है, ये इसका एक कटाक्ष है, इस आदमी ने कहा। बहरहाल लोकतंत्र किस तरह से सुरक्षा में है ये तो आप जाने, हम तो आपको सिर्फ खबर बता रहे हैं। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ अखिलेश यादव का ट्वीट है ये जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया। अब ऑडियो में क्या क्या है आपको तो छोटा सा हिस्सा सुनाया लेकिन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो लोगों का ये करीब वीडियो 8-10 मिनट का ऑडियो में एक व्यक्ति दूसरे को खुद को चुनाव अधिकारी बता रहा है, हालांकि दैनिक भास्कर भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसमें सवाल जवाब है आपकी स्क्रीन पर है कि आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे, हाँ तहसीमाबाद में मेरी ड्यूटी लगी। मैं आपको अहम अहम बातें बता देता हूँ, वो लिखता है कि हर जगह ऐसा ही हुआ है, 50 ऐसो से पहले बताया, ऐसो ने कहा कि तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम भी जाओगे, अपनी नौकरी बचाओ, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा कहा, ये 10 मिनट का है आप जाके और सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, मैंने तो आपको सिर्फ 2 मिनट का ऑडियो सुनाया। अखिलेश ने चुनाव परिणाम के बाद ये लिखा कि विधानसभा चुनाव की हार के बाद अखिलेश का पहला ट्वीट सामने आया जो हमने आपको बताया कि ईवीएम को लेकर इस तरह की बात है। अब बहरहाल दर्शकों बात यह है इस ऑडियो के अंदर जैसा कि आपने सुना, अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा महसूस ये होगा कि ये कहीं से भी फेक नहीं दिखाई देता सुनने पर, बाकी तो ये जांच के बाद पता चल पाएगा कि ये किस तरह की ऑडियो है, लेकिन एक पीटासीन अधिकारी जब इस बात को कह रहा कि ईवीएम को चेंज किया गया है और लखनऊ के अंदर राजेश मिश्रा को हराया गया है, कांग्रेस को हराया गया, हालांकि उसने ये भी कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूँ और पंडित भी हूँ, लेकिन कांग्रेस वालों को भी हराया गया, इस तरह के कई सीटों का उसने उदाहरण दिया, लगा भी ऐसे ही चूंकि तमाम के तमाम जितने सोशल मीडिया पर पत्रकार थे सिवाय गोदी मीडिया के अलावा वो तमाम इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इस समय जो वोट है जिस तरह की वोट है वो समाजवादी के पक्ष में है, लेकिन नतीजा आया बिल्कुल उलट और इतना माइक्रो लेवल पे ही काम हुआ है कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पर चूक कहें कहाँ पर ना कहें, लेकिन इस ऑडियो ने एक सवाल खड़ा कर दिया है दर्शकों, और अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से और राष्ट्रपति से संज्ञान लेने की भी खबर ट्वीट करके लिखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए, नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ, जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर